हेलो गाइस, वेलकम टू जैन क्रिएशंस। आज हम लेके आए हैं किट्स बैटरी जीप, मॉडल नंबर है HZL1188। बहुत ही अच्छी जीप है ये, जो अपनी थार जीप आती है महिंद्रा की, उसके जैसी दिखती है, सिमिलर। और इस जीप में बहुत अलग अलग मॉडल्स आते हैं, मगर सबसे अच्छा मॉडल ये है। इसमें बहुत सारे डिफरेंस है दूसरी गाड़ियों से। इसमें आप देख सकते हैं बम्पर पर कुछ रेड लाइट्स भी दी हुई है, और आगे भी ये हेडलाइट्स भी बहुत अच्छी है। ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि इसमें बोनट है और बोनट खुलता है। ये बोनट का आप देख सकते हैं, ये ओपन होता है और सारा सिस्टम इसका बोनट में ही है। मतलब कंट्रोल यूनिट इसकी बोनट में है, और इसकी बड़ी बैटरी है 12 वोल्ट की, आप देख सकते हैं। ये भी बोनट में ही है और सारा सिस्टम इसका बोनट में है। इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर बच्चा यहाँ पर पानी गिराएगा तो इसके अंदर पानी जाएगा, तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये फोर व्हील ड्राइव है, इसके स्टेयरिंग में बटन है, पेन ड्राइव से गाने चलते हैं, और मल्टी फंक्शन रिमोट है। बहुत ही अच्छा रिमोट है, मल्टी फंक्शन। इसमें सारे फंक्शंस आप रिमोट से भी कर सकते हैं और गाड़ी से भी चला सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं इसे। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, इस गाड़ी के साथ जो स्टिकर्स आते हैं वो कैसे और कहाँ पर लगते हैं, वो भी अपन लगा के बताएंगे आपको। ये देखिए, ये इसका गाड़ी का मेन पावर ऑन का बटन है। ये ऑन करेंगे तो इसकी ऐसी आवाज़ आएगी। ये आप देख सकते हैं इसका म्यूजिक सर्किट है। यहाँ पेन ड्राइव लगता है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगता है, और यहाँ ऑक्स केबल लगती है। आप तीनों से ही गाने चला सकते हैं, बाकी सिंपल ऐसे नॉर्मल गाने भी चलेंगे। और ये स्टीयरिंग पे बटन है, एक से हॉर्न और एक से म्यूजिक बजेगा। आप इनको अगर रेगुलर दबा के रखेंगे तो आवाज़ बढ़ेगी। ये वाले बटन दबा रखने से आवाज़ कम होती है। ये देखिए V माइनस लिखा हुआ, V प्लस है। कुछ कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग पे आता है, पर इसमें नहीं है। ये वाला जो बटन है आपको दिख रहा है, रन और स्वे लिखा हुआ, ये आप जैसे ही दबाएंगे, इसके पीछे देखो एक और मोटर है, ये इसका झूला चल रहा है, इसको स्विंग बोलते हैं। ये स्विंग हो रही है, देखिए ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस गाड़ी में टोटल 6 मोटर है, 4 मोटर तो चारों टायर में, एक स्टेयरिंग में, और एक ये स्विंग की मोटर है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन है। जैसे ही हम फॉरवर्ड करके अगर पाँव से एक्सेलेटर दबाएंगे तो ये गाड़ी आगे जाएगी। ये न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं होगा, और ये रिवर्स है, आप रिवर्स करके एक्सेलेटर दबाएंगे तो गाड़ी पीछे आएगी। ये इसका गेट है, गेट को यहाँ से, ये लॉक है, ये ऐसे खुलता है, ये देखिए ये लॉक है, ये ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद होगा। गेट खोल के बच्चा आराम से इसमें बैठ सकता है। ये इसका सीट बेल्ट है। अब इसका एक और अच्छा फीचर है, वो ये है कि इसकी डिक्की, आप देख सकते हो इसमें पीछे डिक्की है, ये डिक्की खुलेगी ऐसे, और डिक्की के अंदर आप रिमोट, इसका चार्जर, ये सब आराम से रख सकते हैं, और ये लॉक हो गई। और आप देख सकते हैं इसकी टेल लाइट, इसमें भी दो लाइट है, एक नीचे रेड लाइट और एक वाइट लाइट, दोनों साइड दो लाइट्स हैं। अब मैं आपको इसको चला के बताता हूँ रिमोट से। ये गाड़ी फोर व्हील ड्राइव है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें 6 मोटर्स है। ये इसका पकड़ने का हैंडल है, आप देख सकते हो नीचे 3 मोटर्स है, 1, 2 और 3, दो तो एक दोनों टायर में और ये स्विंग वाली, और ये ऊपर दो मोटर आपको दिख रही है टायर्स में, और एक ये स्टेयरिंग वाली। ये 6 मोटर गाड़ी बोलते हैं, फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है, और मल्टी फंक्शन रिमोट है इसमें। आइए अब हम इसमें एक बार मैं आपको रिमोट से चला के बताता हूँ। आप ये देख सकते हो ये रिमोट है, ये फॉरवर्ड का बटन दबा के रखेंगे तो आगे आएगी, रिवर्स के बटन से पीछे जाएगी। ये राइट का बटन दबाएंगे राइट मुड़ेगा, लेफ्ट का बटन दबाएंगे लेफ्ट मुड़ेगा। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, फंक्शन, वर्किंग आप एक अलग वीडियो बना रखी है हमने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको इस पर स्टीयरिंग लगा के स्टिकर्स लगा के बताता हूँ। सॉरी, देखिए ये स्टिकर्स इस गाड़ी के साथ आएंगे आपके, हमको यहाँ पर लगाने हैं कि पूरी गाड़ी पे जगह जगह पे लगेंगे। तो आइए अपन सबसे पहले इसके बोनट से स्टार्ट करते हैं। आपको इसको एकदम धीरे से निकालना है, ये ट्रांसपेरेंट स्टिकर है, बहुत ही अच्छे गम वाले। ये जो स्टिकर है ये वाला लगेगा यहाँ पे, आपको एक साइड से एक बार नीचे रख के और फिर धीरे 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 ऐसे करना है। ये देखिए इस टाइप से, जो वाइट कलर की जीप होती है उस पर ये बहुत ही अच्छा लगता है, हालांकि रेड पर भी अच्छा लग रहा है। ये इसका नंबर प्लेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस है, ये यहाँ पे लगेगा।
ये देखिए ये यहाँ लग चुका है। अब ये जो है ये इसके गेट्स पे लगेंगे दोनों साइड में, दो स्टिकर्स हैं। मैं आपको गाड़ी घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए एक इधर लगेगा और एक दूसरी साइड लगेगा। अब आपको बैक साइड से मैं दिखाता हूँ ये स्टिकर कहाँ लगेगा। ये देखिए ये जो सबसे बड़ा वाला स्टिकर है ये इसकी डिक्की, स्टेपनी बोल सकते हैं, डिक्की बोल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको इसको अलाइन करके लगाना पड़ेगा क्योंकि एकदम फिक्स स्पेस है अपने पास। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है जीप 4x4। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इस पे जो छोटे छोटे स्टिकर्स बचे हैं वो लगाने हैं। सबसे पहले अपन लगाएंगे ये मीटर जो इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे इस साइड में लगेगा ये स्पीडोमीटर। ऐसे लगाना है नॉर्मली सभी कार या जीप में होता है जैसा। फिर उसके बाद ये आरपीएम मीटर ये यहाँ लगेगा ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ गया इसको लगाने के। इनके अंदर भी लाइट्स हैं, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है लाइट्स। अब हम लगाएंगे ये जीप का सिंबल। ये स्टिकर यहाँ के लिए है, इस पर जीप लिखा हुआ है। ये देखिए ये अपन ने लगा दिया। अब इसमें जो बचा है नॉर्मल सीट बेल्ट की वार्निंग और ये सब, तो वो लगाने की अपन को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको इसकी गाड़ी सीधी कर देता हूँ। इस गाड़ी को उठाने के लिए आपको यहाँ से ये यहाँ से पकड़ना है, ये सारे एसेसरीज पकड़ के नहीं उठाना है क्योंकि बहुत हैवी गाड़ी है और उसका लोड इस पर आएगा तो ये टूट सकता है, निकल सकता है। इसलिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चाहे तो ये गाड़ी हमसे परचेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है rideons.in करके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप ऐसे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।